स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिक मोटर्स में। तो आज हमारे सामने ऑल न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट वेरिएंट, भाई देख सकते हो क्या ही गाड़ी बन चुकी है। वेलकम डीआरएल लाइट्स देखने को मिल जाती है आपको, पूरी की पूरी कनेक्टेड डीआरएल लाइट्स देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। आपको स्टार्ट करते ही लाइट वेलकम कर देगी आपका, तो यहाँ पे टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। ग्रिल डिजाइन कुछ इस तरह की बहुत ही डिफरेंट मिल जाती है। फेसलिफ्ट वेरिएंट है तो ऑब्वियसली सारी की सारी बॉडी में चेंजेस हो गए। डीआरएल लाइट्स आपको एलईडी के अंदर देखने को मिल जाती है, पूरी की पूरी कनेक्टेड कॉर्नर तक आपको देखने को मिल जाती है। तो कैसी लग रही है गाड़ी? और ये डार्क एडिशन है, टॉप वेरिएंट भाई, और क्या ही चाहिए गाड़ी के अंदर। यहाँ पे एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती है, और लुक तो क्या ही बना दी है गाड़ी की, बहुत ही तगड़ी है। और डार्क एडिशन में तो क्या ही बेहतरीन लग रही है, मतलब अब सारी की सारी गाड़ियों को टक्कर देने वाली ये वाली गाड़ी जो है टाटा सफारी फेसलिफ्ट डार्क एडिशन। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर के एलॉयज देखने को मिल जाते हैं। एलॉयज की साइज की बात करें तो 245/55 19 इंच के एलॉयज, मतलब 19 इंच के एलॉय व्हील्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हैं, मतलब फॉर्च्यूनर से भी बड़े। और डार्क एडिशन में तो गाड़ी कतई जहर लग रही है। यहाँ पे सफारी अलग तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप बैजिंग बहुत ज्यादा बदल चुकी है, एलॉयज की डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे आपको 360 कैमरा व्यू भी देखने को मिल जाता है, ओरएम के अंदर इंडिकेटर और कैमरा देखने को मिल जाता है, रूफ रेल भी देखने को मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 205 mm का, देख सकते हो रूफ रेल यहाँ पे कुछ इस तरह की मिल जाती है। ये गाड़ी पूरी की पूरी डार्क की होगी, बिल्कुल भी अलग कलर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि डार्क एडिशन में सारी की सारी गाड़ी डार्क की होती है। तो अब पीछे की लुक भी दिखा देता हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इसके एलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के अंदर जो लग रहे हैं, और एक पूरी की पूरी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, पीछे की और भी कनेक्टेड लाइट्स देखने को मिल जाती है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और एक नया फीचर भी है, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, और रियर वाइपर भी देखने को मिल जाता है, सफारी की बैजिंग मिल जाती है पीछे की और भी। और एक नया भी फीचर है, रियर वाइपर भी मिल जाता है, वो फीचर नहीं है यहाँ पे देख सकते हो सफारी के अंदर, तो ऑब्वियस ये सब होगा ही। तो बूट के लिए नया फीचर आ चुका है ये गाड़ी के अंदर। यहाँ पे सिर्फ अनलॉक का बटन दबाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद बूट अनलॉक का बटन प्रेस करके सिर्फ एक ही चीज करनी है हमें, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कुछ नहीं किया मैंने, देखो भाई गाड़ी अपने आप ही खुलने वाली है, मतलब सेंसर मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रिक टेल गेट पीछे की ओर मिल गया है। अब सफारी और हेरियर दोनों के अंदर पीछे की ओर बूट स्पेस नहीं मिलेगी इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि 7 सीटर वेरियंट है तो इसको फोल्ड करना पड़ता है। लाइट आपको मिल जाती है पीछे की ओर, ओनली 50 लीटर्स की, मतलब 50 लीटर की बूट स्पेस है, जो कुछ भी नहीं है। तो बस इतनी सी स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। नीचे की ओर आपको अपना स्पेयर व्हील मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है और बूट अपने आप बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक टेल गेट इसलिए आपको काम आएगा, और वो भी सेंसर के साथ में है। और यहाँ पे सीट फोल्ड करके अगर आपको 5 जने को जाना है तो स्पेस मिल सकती है, लेकिन अगर 5 जने के लिए गाड़ी चाहिए तो हम हैरियर ही क्यों ना ले भाई, अगर सफारी लवर हो तो अलग बात है, लेकिन दोनों में इतना मेजर फर्क नहीं है इंटीरियर का, ठीक है। ये तो हो गई बाहर की लुक की बात, तो अब बात करेंगे हम इंजन की। तो इसके अंदर आपको 2.0 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, 1956 सीसी का इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर के साथ में, 167.62 bhp पावर और 350 Nm टॉर्क देखने को मिल जाती है। अभी भी हैरियर और सफारी दोनों की दोनों डीजल इंजन के अंदर ही आने वाली है, तो पावर आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है। तो देख सकते हो साइड लुक भी कुछ इस तरह की मिल जाती है, मतलब चारों तरफ से गाड़ी बहुत ही तगड़ी लग रही है। ऑन रोड में मैं दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसी लगेगी ये गाड़ी। तो चलो अब चलते हैं सीधा इंटीरियर की ओर, देख लेते कैसा इंटीरियर वगैरह मिल जाता है। डार्क एडिशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है भाई, आपको कौन सा वाला वेरियंट पसंद है, वो कलर पसंद है टाटा का, वो जरूर बता देना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये गाड़ी के अंदर है वेलकम सीट्स का फीचर, वो आ गया था सफारी के अंदर। यहाँ पे पावर विंडोज वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ इस तरह के, साइड में ग्रे मेटल वगैरह मिल जाता है, स्पीकर की स्पेस मिल जाती है, बटन रख सकते हो आप, और यहाँ पे मेमोरी सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और मेमोरी सीट्स है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो जो भी आपको एडजस्ट हो अपनी तरीके से। तो जैसे ही मैं बैठ जाऊंगा इसके ऊपर सीट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, मतलब दरवाजा बंद करते ही सीट्स अपने आप एडजस्ट होके आपको बिठा देगी। तो भाई आ चुके हम ऑल न्यू टाटा सफारी के अंदर, और यहाँ पे देखो भाई सीट खुद ही एडजस्ट हो रही है, लेकिन ये बहुत ही पीछे है तो हम बिल्कुल इसको साइड में कर देंगे, क्योंकि बहुत आगे कर दी सीट इन्होंने, जिसने भी मेमोरी सीट्स को सेट किया है उन्होंने बहुत ही आगे की हुई थी। तो भाई
तबाही मचा दी है टाटा सफारी फेसलिफ्ट वेरिएंट ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या क्या चीजें मिल जाएगी। साइड में मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भाई। पेडल शिफ्टर्स भी है जो बहुत ही मजे देने वाले है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है डिस्प्ले। सबसे पहले इसको मैं म्यूट कर देता हूँ भाई, क्योंकि अभी आवाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें गाड़ी के अंदर। क्लस्टर के डिजाइन देखो भाई, कितने सारे मोड्स के साथ में आ चुकी है ये गाड़ी। फीचर से भर दी गई है टाटा सफारी को। स्टीयरिंग देख लो बिल्कुल नया आ चुका है, यहाँ से आप हॉर्न वगैरह बजा सकते हो। और यहाँ पे टाटा का डिजिटल लोगो आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले एसी को चालू करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो ये भी टच करके ही आप स्टार्ट कर सकते हो भाई। देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, स्टार्ट हो चुकी है एसी। बाकी आपको फैन स्पीड बढ़ानी हो तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो भाई। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से एसी वगैरह का कंट्रोल कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो बिल्कुल फैन स्पीड ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्लस्टर की डिजाइन के अंदर देख लो भाई, यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। वॉइस पिच वाला मोड मिल जाता है, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे लेन असिस्ट के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। अपकमिंग फीचर्स है मतलब ये अपडेट के बाद में आएंगे शायद। यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुका है 2D 3D। और ये देखो भाई क्या ही व्यू मिल रहा है 3D का, ये सफारी का। यहाँ पे वो आगे जा रहे हैं तभी भी सेंसर बिल्कुल बज रहा है भाई। ये गाड़ी में अब मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के साथ में इतने सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे टाटा सफारी के अंदर। तो कितने फीचर्स दिखा वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाले फीचर्स है। अलग अलग मोड आप चेंज कर सकते हो, 2D 3D सारे के सारे मोड है। 3D में काफ़ी अच्छा एंगल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले बहुत ही बड़ी बना दी, मतलब 12.5 इंच से भी ज़्यादा है शायद। तो डिस्प्ले की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे साइड में आपको मिरर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, दो दो लाइट के साथ में भाई। और इस तरफ आपको मिरर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ ऑब्वियसली नहीं होता सारी गाड़ियों के अंदर, मतलब बहुत सारी गाड़ियों के अंदर नहीं होता। बाकी अभी तो सारी गाड़ियाँ दे रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिनिशिंग दी गई है डैशबोर्ड की। यहाँ पे भी देख लो पियानो फिनिशिंग क्या ही दिया गया है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स भाई टाटा सफारी का तो बड़ा ही है। यहाँ पे देख लो ऊपर नीचे दोनों की दोनों तरफ आपको जगह मिल जाती है। बाकी साइड में यहाँ पे स्पीकर वगैरह की स्पेस मिल जाती है, बॉटल रख सकते हो, सामान बहुत ज्यादा आ सकता है। दोनों तरफ आपको वेंटिलेट सीट्स और एडजस्टेबल सीट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, मतलब मेमोरी सीट्स। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो दो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग मोड आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं शोरूम के अंदर हूँ तो बिल्कुल इसमें कोई छिड़खानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का गियर शिफ्टिंग वगैरह मिल जाता है, बिल्कुल प्रीमियम कार कर दी है इसको। ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल जाती है आपको। यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं बहुत ही बड़े वाले। आर्मरेस्ट देख सकते हो, आर्मरेस्ट में भी काफ़ी स्पेस है। टेलोड का पॉट मिल जाता है, दो दो USB पॉट यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और क्या ही चाहिए हमें इस गाड़ी के अंदर भाई, फीचर से भरी हुई गाड़ी है। फिर भी कुछ छूट जाए तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पे छूटने वाली चीज़ सबसे पहले यही थी जो है इसकी सनरूफ, मूनरूफ जो भी बोलो आप। अभी हमें नहीं चाहिए ओपन तो बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन बहुत ही बड़ी रूफ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो बंद कर देते, अभी रूफ को हमें ज़रूरत नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल स्मूथ वाले। तो बंद हो चुकी है रूफ। पीछे जाके दिखा देता हूँ कितनी स्पेस वगैरह देखने को मिल जाएगी हमें इस वाली गाड़ी के अंदर। जो मतलब इन्होंने फीचर से भर दी है ना गाड़ी, वो किसी ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो चलो पीछे की रो चेक करते हैं, सेकेंड और थर्ड। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो पूरी देखना भाई, क्योंकि ये टाटा सफारी फेसलिफ्ट वेरिएंट है। पूरी की पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं सीधा पीछे की ओर। यहाँ पे 50 लाख कार्स वाली बैजिंग मिल जाती है, 50 लाख कार्स सोल्ड कर चुकी है टाटा। यहाँ पे नीचे का स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे पियानो फिनिश, GBL के स्पीकर्स मिलते हैं सारी की सारी गाड़ी के अंदर। ग्रैब हैंडल देख लो, पावर विंडोज के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे चेक कर लो भाई, और कर्टेंस भी देखने को मिल जाते, मतलब सनसेट देखने को मिल जाते हैं कंपनी फिटेड। तो चलो अंदर बैठ के देखते हैं। यहाँ पे भी आपको सीट्स वगैरह बहुत ही कंफर्टेबल मिलती है, लेकिन स्पेस यहाँ पे कम लग रही है। देखते हैं भाई, चलो अंदर बैठ के। तो आ चुके हैं पीछे की ओर। तो भाई मेमोरी सीट से, तो जैसे ही मैं बाहर निकला गाड़ी को बंद करके, तो सीट अपने आप पीछे की ओर आ चुकी है। अगर मैं वापस बैठ जाऊंगा आगे की ओर तो सीट जैसी थी वैसी ही हो जाएगी भी। वही मेमोरी सीट्स का कमाल होता है। तो यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हो, जब चार्जिंग में आप फोन को रखो। यहाँ पे दो दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, नॉर्मल और टाइप सी वाला। और यहाँ पे भी JBL का स्पीकर वगैरह शिफ्टर में मिल जाता है। कुछ इस तरह की बहुत ही चौड़ी गाड़ी है भाई, फैमिली के बनी है। और यहाँ पे है पीछे की ओर आर्मरेस्ट, लेकिन भाई अभी
पन्नियां नहीं निकाली इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी पीछे से कुछ इस तरह की लुक मिल जाती है और यहाँ पे मून रूफ का मजा बिल्कुल उठा सकते हो। थर्ड रो के अंदर जाके भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीट पीछे है इसलिए लेग स्पेस थोड़ी कम लग रही है, तो इसीलिए थोड़ी लेग स्पेस कम है, लेकिन डिसेंट सी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। तो अब थर्ड रो भी दिखाऊंगा कि कितनी स्पेस है, स्पेस बढ़ी है कम हुई है वो भी देखेंगे हम। तो चलो पीछे की ओर चलते हैं। यहाँ पे दो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे लाइट मिल जाती है वो भी एलईडी के अंदर, इस तरफ भी वही चीज सिस्टम मिल जाती है सारी की सारी, यहाँ पे ग्रैब हैंडल और हुक मिल जाता है दोनों की दोनों तरफ। तो चलो थर्ड रो के अंदर चलते हैं और एसी वेंट्स दिखाना रह गया था। यहाँ पे साइड में कॉर्नर में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं ये वाले वेरियंट के अंदर, मतलब हेरियर के अंदर भी ऐसा ही है भाई। हेरियर भी दिखाऊंगा, अभी शोरूम पे नहीं कड़ी लेकिन उसकी डिटेल रिव्यू वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी और वो भी टेस्ट राइड के साथ में। तो आ चुके पीछे का सीट फुल करना बहुत ही इजी आपके लिए, मैं वो दिखाऊंगा बाहर जाके भी आपको। तो यहाँ पे भाई स्पेस मतलब टाटा सफारी के अंदर भाई पीछे की ओर मुझे स्पेस लग रही है, पहले मुझे इतनी स्पेस नहीं दिख रही थी लेकिन अभी के लिए स्पेस है, ऐसे छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन इसको पीछे की ओर आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो दो एडजस्टेबल, पीछे की ओर सीट आप फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पे आराम से सोते सोते जा सकते हो, मतलब छोटे बच्चे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, एसी वेंट पीछे की ओर थर्ड रो में भी यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो भाई। यहाँ पे कपबोर्ड भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी JBL के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरह थर्ड रो की लुक आपको देखने को मिल जाती है पीछे से, बिल्कुल बहुत ही तगड़ी गाड़ी बना दी है। तो चलो बाहर जाके मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये टॉप वेरियंट है डार्क एडिशन, तो प्राइसिंग ज्यादा ही जाएगी क्योंकि अब फीचर्स के साथ में भी लोडेड है ये वाली गाड़ी इसलिए। तो चलो चलते हैं बाहर अब सीधा। तो देखो सीट को फोल्ड करना बहुत ही ईजी है, यहाँ से आप पीछे से ही आप इसको पकड़ के ऐसे रख सकते हो और यहाँ ही पीछे से कंट्रोल कर सकते हो और आगे से भी आप बिल्कुल आसानी से बंद कर सकते हो। भाई एक हाथ में फोन है इसलिए थोड़ा मेरे लिए हार्ड हो रहा है, तो चलो मैं आपको ये फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये हो गई सीट एडजस्ट, मतलब खुद भी कर सकते हो भाई। तो कुछ ऐसा था इसका इंटीरियर कैसा लगा जरूर बता देना। तो ऑल न्यू सफारी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 16.90 लाख रुपीस से लेके 27.34 लाख रुपीस तक, मतलब टॉप वेरिएंट भाई 30-31 लाख का ही आएगा, उससे कम में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। और ये डार्क एडिशन है तो बहुत ही महंगा होने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन फीचर्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो कैसी लगी जरूर बता देना, मिलती है ऐसी और नई कार के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।